अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। नाउ टेक आउट योर काउंट डाउन बुक्स एंड ओपन योर पेज नंबर 101, यूनिट 7। टुडे वी लर्न अबाउट द टॉपिक इज मनी, रिमेम्बरिंग कॉइन्स। अब ये पिक्चर्स हमें कॉइन्स की बनी हुई नज़र आ रही है, जो कि आपकी बुक में है। 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, ठीक है। ये आपको कॉइन्स नज़र आ रहे हैं। अब हम मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनको हम देखते हैं क्या आगे क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं। हाउ मच मनी इन ईच पर्स। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉइन्स दिए हुए 50 पैसेस के, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, सबसे पहले काउंट करना है, और फिर जितने रुपीज़ बनेंगे वो हमने यहाँ पे डैश में लिखने। अब ये 50 पैसेस के 4 कॉइन्स हैं, इनको हमने काउंट किया तो ये बने 1 रुपीज़। यानी 50 पैसे का 1 कॉइन और 50 पैसे का दूसरा कॉइन, इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये 1/2 रुपीज़ होगा, और फिर जब 50 और 50 को प्लस करेंगे तो ये भी 1/2 होगा। तो इनको जब प्लस किया तो टोटल 1 रुपीज़ बने। उसके बाद बी वाला क्वेश्चन है, इसमें है 1 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ का कॉइन, इनको प्लस किया 8 रुपीज़ यहाँ पे लिखे हमने। फिर है नंबर सी, 1 रुपी का कॉइन, 5 रुपी एंड 1 रुपी, इनको जब हमने टोटल किया प्लस किया तो 7 रुपीज़ बने। और डी वाले में, इसमें हमें कॉइन्स दिए हैं 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़, ठीक है। इन सबको हमने प्लस किया तो 10 रुपीज़ का ये हमारे पास नंबर आ गया। नेक्स्ट है, 1 कॉइन कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कॉइन्स ऑफ द सेम वैल्यू। अब इसमें नोट में दी 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स आर नो लॉन्गर इन यूज़। ये 25 पैसा और 50 पैसा जो है, ये पाकिस्तान की करेंसी में पहले यूज़ होते थे, अब इस्तेमाल नहीं होते। ए 1 रुपीज़ कॉइन इज़ इक्वल टू 2 50 पैसा कॉइन। अब ये देखें, 1 रुपी का कॉइन कैसे बनेगा, जब हम 2 कॉइन जो होंगे 50 50 पैसा के, उनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 रुपी आएगा, ठीक है, 2 कॉइन्स को। नंबर बी, 1 2 रुपीज़ कॉइन्स इज़ इक्वल टू 2 1 रुपीज़ कॉइन। जब हमारे पास 2 1 रुपी के कॉइन होंगे तो ये कितने बनेगा, 2 रुपीज़ कॉइन होंगे। जब हमारे पास 1 2 रुपी कॉइन होंगे तो हमारे पास इज़ इक्वल टू 2 1 रुपीज़ कॉइन्स बनेंगे, ठीक है। नंबर सी, 1 5 रुपी कॉइन इज़ इक्वल टू 5 1 रुपी कॉइन। अच्छा, 5 रुपी कॉइन को टोटल जब हम इज इक्वल करेंगे तो किस तरह हमें पता चलेगा, जब हमारे पास 5 कॉइन होंगे 1 1 रुपी के। लास्ट डी क्वेश्चन, 1 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 2 रुपी कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन। अच्छा, 5 रुपी का कॉइन किस तरह होगा, जब हमारे पास 2 कॉइन्स होंगे 2 2 रुपी के, और 1 कॉइन होगा 1 रुपी का, ठीक है। ये हमारा पास पेज नंबर 101 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 102 पे। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है नोट। ये हमें नोट बने हुए नजर आ रहे हैं। नोट इज़ द नेम ऑफ पेपर मनी, देयर साइज इज़ बिगर एंड सो इज़ देयर वैल्यू, मोर थिंग्स कैन बी बॉट विद देम, हेयर आर सम ऑफ द नोट यूज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो नोट यूज़ होते हैं उनकी पिक्चर्स और उनकी वैल्यूज बताई। 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ के ये नोट है। लुक एट द सेम रियल वन एंड फील देम, वट कलर आर दे। In previous year, we also had a 5 rupee note which had the same value as the 5 rupee coin. Now the 5 rupee note is not in use. Instead, we use a 5 rupee coin. पहले जो 5 रुपी का कॉइन नोट है वो ये यूज़ होता था हमारी करेंसी में, अब इसकी जगह एक्सचेंज करके ये कॉइन निकाल दिया है, जो कि 5 रुपी का अब ये यूज़ होता है पाकिस्तान में, ठीक है। पेज नेक्स्ट पेज पे आते हैं 103। क्वेश्चन, सब्ट्रैक्टिंग विद मनी, टिगर हेड। अब ये कॉइन्स दिए हुए हैं, इनको हमने काउंट करना है। ही बॉट, यानी इनकी प्राइस देखनी है इन चीज़ों की। ही हैड अ बैलेंस ऑफ, और फिर इनको जब बैलेंस करेंगे तो ये कितने हमारे पास रुपीज़ बनेंगे। अब बी क्वेश्चन है, हमारे पास 5 रुपी के 4 कॉइन हैं, इनको काउंट किया
तो हमारे पास नंबर आया 20 रुपीज़ यहाँ लिखा, और ये रिंग की प्राइस है 18, यहाँ पे हमने उसके नीचे लिखा 18, 20 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 2। ठीक है, अब सी वाला क्वेश्चन है, हमारे पास 5 रुपी के कॉइन 1 है और 1 रुपी के 2 कॉइन है और 2 रुपी का भी 1 कॉइन है, इनको प्लस किया तो ये नंबर बना हमारे पास 9 रुपीज़ बन गए, और पेंसिल की प्राइस है 3 और यहाँ पे 9 के नीचे 3 लिख दिया, फिर 9 में से 3 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 6 रुपीज़ बाकी रह गए। अच्छा, अब डी वाला है, ये हमारे पास कॉइन्स बने हुए 1 1 रुपीज़ के 3 कॉइन एंड 2 रुपीज़ का 1 कॉइन है, इसको प्लस किए तो 5 रुपीज़ बने और टॉफ़ी की प्राइस है 2, 5 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 3 रुपीज़ बाकी रह गए। यहाँ तक हमारा मनी का पेज ये कम्प्लीट होता है, बाकी पेजेस इंशाल्लाह हम अपने क्लास वर्क में कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।